महीने से ग्राम बसिया में गल्ला नहीं मिला। ऐसे करीब 150 से लेके मेरे सामने पर्ची आई जिनके दो दो महीने के गल्ले बाकी थे और वहाँ गल्ला नहीं बांटा जा रहा था। तो क्या समस्या है यहाँ की? समस्या यहाँ की ये है कि यहाँ जो सेल्समैन है वो तो आता नहीं है। यहाँ जो आदमी है उन लोगों से गल्ला बंटवाता है, जो कि राशन है बीपीएल वाले जितने भी गरीब लोग हैं उनको राशन देता ही नहीं है, और जो राशन बचाता है वो इन गरीबों का इकट्ठा करके वो ब्लैक में बेच देता है। किसी किसी लोगों की तो पर्ची कटी ही रखी पर आता ही नहीं है वाट लेके लिए, और पैसा भी उसने जब्त कर लिया है। हमको बहुत परेशानी है, हम दो बड़े लड़का के दो बच्चा हैं, हम काहे में से राशन में काहे में से लिया में काहे में से खवा में। 16 से 17 किलो राशन पे कभी अनाज न दिया जा रहा है, और एक दिन दुकान खुलती बाकी महीने भर बंद रहती। जो अनाज मिलता है अभी राशन कार्ड पे जो लागू है शासन से वो कितना मिलता है? 16 किलो सिंगारे कोनी कार्ड पे नहीं मिलता है, सामान्य वाले को मिलता ही नहीं। अभी इस महीने में कितनी पर्चियाँ कटी है? आधी कटी राशन जमा करके ले जाते, बाद में पर्ची बना के वहीं से आउती महीना में एक दिन खुलती है दुकान, सुबह मनमानी खुलती है, कभी बांटे वालों आउती नहीं है। और यहाँ सेल्समैन कौन है? सेल्समैन पप्पू है। तो वो कितने दिन में आते हैं? कभी आइडल 6 महीना हो गए। तो अभी आपके पास जो पर्ची है उस पे कब से गल्ला नहीं मिला? 2 महीना से नहीं मिला। आप चाहते क्या है ये बताइए। हमारा तो जचार का सेल्समैन डेली आना चाहिए, जो कर्म माने आदमियों से क्यों काम करवा, जो 20 आदमी तुमने 20 पर्ची भेज दी, 20 आदमी रोज के यहाँ मजदूरी होकर एक घंटा खुलती है। इस गांव में के लोग जो भी बदलाव चाहते हैं उसके लिए बदलाव के लिए हमारे ब्लॉक के जो अधिकारी हैं वो हैं श्री अखिलेश मिश्रा जी, जिनका फोन नंबर है 94-25-65-56-24। समस्या से प्रभावित लोगों से मेरा निवेदन है, मेरी अपील है, इस फोन नंबर पर फोन करें और अपना दबाव बनाएं और बदलाव लाने की कोशिश करें। मैं आरती बाई वाल्मीकि, बटियागढ़ जिला दमोह मध्य प्रदेश से, इंडिया अनहट के लिए।